गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मुझे आशा है आपने पार्ट एक हिंद देश के निवासी पूरी तरह से तैयार कर लिया होगा। तो चलिए आज हम अपनी हिंदी अभिव्यक्ति पाठमाला के पार्ट दो की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची है। अब इस लाइन को बिना काटे छाटे हम छोटी कैसे कर सकते हैं? यस, उसके पास में एक बड़ी लाइन खींचकर। जब हमने बड़ी लाइन खींची तो ऊपर वाली लाइन अपने आप छोटी हो गई। ये कैसे हल किया आपने? अपनी बुद्धि से। तो आज हम ऐसे ही बुद्धिमान बच्चे की कहानी पढ़ने जा रहे हैं, चतुर आकाश। चतुर अर्थात बुद्धिमान, होशियार, चालाक, और आकाश, आकाश एक बच्चे का नाम। एक बच्चा बहुत ही साहसी और बुद्धिमान था, आज हम उसी की कहानी पढ़ेंगे। तो एक लड़का था, उसका नाम आकाश था। वो आसमान से गिरती हुई बर्फ देखना चाहता था। उसके मम्मी पापा के साथ वो मनाली घूमने गया। मनाली में ठंड बहुत होती है, तो उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, उनको बुखार आ गया। कई डॉक्टर को दिखाने के बाद भी बुखार ठीक नहीं हो रहा था, तो उन्होंने एक वैद्य जी को दिखाया। वैद्य जी कौन होते हैं? जो आयुर्वेदिक इलाज करते हैं, और वो इलाज कैसे करते हैं? जड़ी बूटियों से। जड़ी बूटियों अर्थात पेड़ पौधों से प्राप्त जो दवाइयाँ होती है, औषधि होती है, उनसे इलाज करने वाले हमको हम वैद्य जी कहते हैं। पहले जब डॉक्टर्स नहीं होते थे, एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं होती थी, तो जड़ी बूटियों से ही इलाज किया जाता था। तो वैद्य जी ने बोला कि एक विशेष प्रकार के पेड़ की छाल से दवाई बनाकर उसको पिलाने से आकाश की माँ जल्द ही स्वस्थ हो जाएगी। तो आकाश ने उस पेड़ की छाल लाने का निश्चय कर लिया। यह सुनकर पिता तो बहुत चिंतित हो गए थे, लेकिन आकाश ने हिम्मत नहीं हारी और उस पेड़ तक पहुँचने का रास्ता भी बहुत कठिनाइयों भरा था, बहुत खतरनाक था। वहां पर जंगली जानवरों का भी डर था, बर्फ जमी हुई थी और पहाड़ियों में गिरने का भी डर था, लेकिन आकाश ने अपनी माँ के लिए इस वहां तक जाने का निश्चय कर लिया। वैद्य जी ने अपने बेटे अमित को आकाश के साथ भेज दिया, क्योंकि अमित को रास्तों की जानकारी थी। जब ये दोनों जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक खच्चर वाला मिला और वो भी उनके साथ हो गया। दोनों बहुत दुर्गम रास्ते को पार करते हुए पेड़ तक पहुंचे और पेड़ की छाल लेकर आए। पेड़ की छाल से दवा बनाकर वैद्य जी ने आकाश की माँ को पिलाई और आकाश की माँ स्वस्थ हो गई। ये था पाठ का सारांश। अब हम इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ शब्द भी हैं, उनके अर्थ भी हम जानेंगे और पूरा पाठ ध्यान से पढ़ेंगे। एक लड़का था, उसका नाम आकाश था। वह बहुत ही चतुर और समझदार था। उसकी बहुत इच्छा थी कि वह आसमान से गिरती हुई बर्फ देखे। इसलिए एक बार सर्दी की छुट्टियों में वह अपने माता पिता के साथ मनाली गया। वहां पर अधिक ठंड के कारण उसकी माँ बीमार पड़ गई। बहुत दिन हो गए पर उनका बुखार उतर ही नहीं रहा था। बड़े बड़े डॉक्टर्स ने देखा मगर कुछ न हुआ। एक दिन वहाँ के प्रसिद्ध वैद्य आए। जांच पड़ताल करने के बाद वे बोले, यहाँ की घाटियों में एक खास तरह का पेड़ होता है, यदि उसकी छाल पाकर पकाकर इन्हें पिलाए तो शीघ्र ही अच्छी हो जाएगी। 40 मील पैदल का रास्ता था, लेकिन आजकल वहाँ जाना बहुत मुश्किल है। रास्तों पर बर्फ की मोटी मोटी तह जमी है और जंगली जानवरों का भी खतरा है। वहाँ जाने में 3-4 दिन लग जाएंगे। यह सुनकर आकाश के पिता चिंतित हो गए, लेकिन आकाश बहुत साहसी था। उसने शीघ्र ही एक योजना बनाई और कहा, आप चिंता न करें पिताजी, मैं माँ के लिए दवा लेकर आऊंगा। वैद्य जी बोले, मैं अपने बेटे अमित को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ, उसे रास्तों की जानकारी है। पिता ने जाने की अनुमति दे दी। तंबू और कुछ जरूरी सामान लेकर दोनों पेड़ की तलाश में चल पड़े। पिता से आज्ञा पाकर दोनों पेड़ की तलाश में निकल पड़े। बड़ा तंग रास्ता था। जरा नजर चुकी कि
कई सौ फीट नीचे नदी में जाकर गिरे। उस नदी में पत्थर पानी से अधिक थे। पहाड़ी नदियों में पत्थर बहुत होते हैं, पानी थोड़ा होता है, पर बहता बहुत तेज है। पर उसमें इतना जोश था कि वे इस दुर्गम रास्ते पर भी आसानी से बढ़ रहे थे। एक खच्चर वाला उनके साहस से प्रभावित होकर उनके साथ जाने को तैयार हो गया। खच्चर लेकर वे आगे बढ़ गए। वे बर्फ से लदे तंग रास्तों को और आसमान को छूने वाली बर्फ से ढकी चोटियों के बीच खुकार जंगली जानवरों से बचते बचाते आगे बढ़ रहे थे। पूरा दिन गुजर गया, पर दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। खच्चर वाला उन्हें राह बताता जाता था। आसमान को छूने वाली बर्फ अर्थात बहुत ऊंची और खुखार अर्थात बहुत ही हिंसक जानवर। हिम्मत नहीं हारना अर्थात उम्मीद होना। उनको पूरी उम्मीद थी कि वो इतने खतरनाक रास्ता होने के बाद भी पेड़ तक अवश्य पहुंचेंगे। आखिर 20 मील पार करके वे एक घाटी में पहुंचे। दिन छुप चुका था। उन्होंने एक जगह तंबू बांधा, साथ लाया हुआ खाना खाया और लेट गए। उनकी आंख लगने ही वाली थी कि उन्होंने रीछ के गुर्राने की आवाज सुनी। उन्होंने दूर कुछ काला काला सा चलता दिखाई दिया। वे अपने साथ वीडियो और टेप रिकॉर्डर भी लाए थे। बस आकाश ने झट एक रिकॉर्ड निकाला और टेप रिकॉर्डर में लगा दिया। रिकॉर्ड में से शेर की आवाजें निकलने लगी। आवाज सुनकर रींच उचक कर पीछे हटा और घबरा कर भाग गया। दोनों बड़ी जोर से हंसे। जैसे ही उनकी आंख लगी अर्थात जैसे ही उनको नींद आई और उनको क्या सुनाई दिया, रींच के गुर्राने की आवाज। और जैसे ही आवाज सुनी उन्होंने तो उन्होंने देखा कि कुछ काला काला सा दिखाई दे रहा है। अपने साथ लाया हुआ टेप रिकॉर्ड निकाला और उसमें एक रिकॉर्ड लगाई और उसमें किसकी आवाज थी, शेर के गुर्राने की आवाज। तो जैसे ही शेर के गुर्राने की आवाज रींच ने सुनी तो वो भाग खड़ा हुआ। वे ऐसे खुश हुए मानो खजाना मिल गया हो। आकाश जोर से हंसकर बोला, डरपोक कहीं का। खच्चर वाला तो हक्का बक्का रह गया। फिर तीनों बातें करते करते सो गए। उनकी खुशी का ठिकाना न था जब रीच भाग गया। दोनों बहुत हंस रहे थे, लेकिन खच्चर वाला था वो हक्का बक्का रह गया। वो आश्चर्यचकित हुआ कि ये इतने बच्चे जो हैं, उन्होंने एक रीच को बड़ी आसानी से भगा दिया। अगले दिन वे फिर आगे बढ़े। आधी मंजिल तय हो गई थी। आगे का रास्ता और भी खराब था। बर्फ भी ज्यादा थी, पेड़ फिसल रहे थे। इस मुश्किल रास्ते पर भी खच्चर वाला जी जान से उनकी सहायता कर रहा था। सो हांफते हांफते वे आगे बढ़ते गए। आखिर वे किसी तरह पेड़ तक पहुंचे जिसकी छाल लेनी थी। वहां चारों तरफ कोहरा छा रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वे तीनों काफी थक चुके थे और भूख भी लगी थी, इसलिए उन्होंने पेड़ के नीचे तंबू लगा लिया, हाथ मुंह धोकर खाना खाया और फिर टेप रिकॉर्डर और टॉर्च निकालकर आराम करने लगे। अचानक उन्होंने शेर के दहाड़ने की आवाज सुनी। बस वे तैयार हो गए। आकाश ने इस मौके के लिए जो रिकॉर्ड रखे थे वे निकाले। अब क्या हुआ, वे पेड़ तक तो पहुंच गए, लेकिन वो बहुत थक चुके थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि तंबू लगाकर थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाए और फिर पेड़ की छाल निकालेंगे। इतने में क्या हुआ, उनको शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। तो जैसे ही शेर के दहाड़ने की आवाज सुनी, आकाश ने फिर से एक रिकॉर्ड निकाला और टेप रिकॉर्डर में लगा दिया। तभी आकाश ने देखा कि शेर दहाड़ते हुए उनके पास आ रहा है। शेर क्या था, पूरा दानव ही था। देखने में बड़ा खुखार लगता, आंखें ऐसी चमकीली जैसे मशाल। उनके दिल कांप उठे, पर उन्होंने हिम्मत से काम लिया। क्या हुआ, जब आकाश ने देखा कि शेर दहाड़ते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा है तो शेर को देखकर वे दोनों बहुत डर गए। शेर क्या था, मानो दानव अर्थात असुर राक्षस की तरह दिख रहा था। उसकी आंखें मशाल की तरह चमक रही थी। उनका दिल कांप उठे, वो दोनों बहुत डर गए। दिल कांप उठना अर्थात डर जाना। पर उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और अपनी हिम्मत से काम लिया और उन्होंने जो रिकॉर्ड लगाया था उसको चालू कर दिया। किसकी आवाज थी, बंदूक और
तोप की आवाज। उन्होंने जैसे ही बंदूक और तोप की आवाज वाला रिकॉर्ड टेप रिकॉर्डर में लगा दिया, जरा सी देर में दनादन गोले छूटने की आवाज आने लगी। उस वक्त शेर की हालत बुरी थी, कभी इधर देखता कभी उधर, कभी दहाड़ता कभी आगे भागता कभी पीछे। लेकिन जब तोपों की आवाज से वन गूंज उठा तो शेर वहां से भाग खड़ा हुआ। खच्चर वाले ने कहा, अब यहाँ रुकना उचित नहीं है, लौट चलो, रात हो गई तो सर्दी के मारे गल जाएंगे, फिर यहाँ तो और भी शेर हैं। आकाश तुरंत टॉर्च लेकर पेड़ पर चढ़ गया और चाकू से खुरच कर छाल उतार ली। जब उसने छाल उतार ली तो वे वापस अपने घर की ओर लौट चले और रास्ते में उनको कोई भी जंगली जानवर नहीं मिला। लेकिन वो दोनों बहुत खुश थे, उनको जितनी भी परेशानियां आई थी वे उन सारी परेशानियों को सारी तकलीफों को भूल गए और खुशी खुशी पेड़ की छाल लेकर वापस आ गए। जब वे खच्चर वाले के गांव पहुंचे तो लोगों को यकीन नहीं आया। खच्चर वाले के गांव में जब लोगों को पता चला कि ये तीनों कहां गए थे, पेड़ की छाल लेने उस दुर्गम रास्ते से गए थे, तो गांव वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि वे वापस सुरक्षित लौट आए हैं, क्योंकि वहां पर जाकर वापस लौटना बहुत मुश्किल था। खच्चर वाले ने जब सारी बातें उन्हें बताई तब सबने उनकी सराहना की, सराहना था प्रशंसा की, तारीफ की, सभी लोगों ने उन बच्चों की प्रशंसा की। माता पिता तो उन्हें देखकर जैसे स्वर्ग पा गए, अर्थात तो बहुत खुश हुए। वैद्य ने छाल पकाकर माँ को पिलाई, कुछ समय बाद माँ का बुखार उतर गया, सबको बड़ी खुशी हुई, पर आकाश और अमित की खुशी का ठिकाना न था। खुशी का ठिकाना न होना अर्थात अत्यधिक प्रसन्न होना। माँ भी ठीक हो गई और अमित और आकाश इतने ज्यादा खुश थे कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो समझ में आया आपको ये लेसन? अब हम बढ़ते हैं अपने अभ्यास की ओर। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं जिनको आपको दोहराना है, मैं बोलते जाऊंगी आप उसको रिपीट करेंगे। वैद्य, खूंखार, प्रसिद्ध, गुर्राने, टेप रिकॉर्डर, टॉर्च, रिकॉर्ड, प्रभावित, सुरक्षित, मुश्किल। बताइए, अब यहाँ पर कुछ मौखिक प्रश्न दिए हैं जिनके आंसर्स आपको याद करना है, और वो मौखिक प्रश्न है। आकाश कैसा बालक था? आकाश चतुर और समझदार बालक था। ख, आकाश की माँ बीमार क्यों पड़ गई? मनाली में बहुत अधिक ठंड होने के कारण आकाश की माँ बीमार पड़ गई। वैद्य जी ने क्या इलाज बताया? वैद्य जी ने एक खास तरह के पेड़ की छाल को पकाकर पिलाने का इलाज बताया। घ, आकाश टेप रिकॉर्डर क्यों ले गया होगा? आकाश जंगली जानवरों से निपटने के लिए और अपने मनोरंजन के लिए टेप रिकॉर्डर ले गया होगा। नंबर 3, सोचिए मूल्यपरक प्रश्न। आकाश अपनी बीमार माँ के लिए घाटी से दवाई लाया, आपके परिवार में कोई सदस्य बीमार हो जाता तो आप क्या करते? जी, जब मेरे परिवार में कोई सदस्य बीमार हो जाता तो मैं उसकी देखभाल करता, जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से दवाई लाता और समय पर दवाई देता। सिर दर्द या पैर दर्द होने पर मैं दबाता। और अगर इसके अलावा भी आप कुछ करते तो आप वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कहानी के क्रम अनुसार कुछ अंक लिखिए कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, तो क्रम अनुसार आपको जमाना है। देखिए, सबसे पहले क्या आएगा? ण, आकाश की माँ बीमार पड़ गई, नंबर 1। ग, वैद्य जी छाल पकाकर पिलाने को कहा, वैद्य जी ने क्या कहा? छाल पकाकर पिलाने को, नंबर 2। क, आकाश छाल लाने घाटी में गया, नंबर 3। घ, उन्होंने रींच को डराकर भगा दिया, और लास्ट ख, दवा पीकर माँ ठीक होने लगी।
नंबर टू, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। क, आकाश अपने माता पिता के साथ कहाँ गया था? मनाली, तो मनाली पर सही का चिन्ह लगाइए। ग, घाटी के रास्ते में पहला जानवर कौन सा मिला? सबसे पहले कौन सा जानवर मिला था? रीछ, तो रीछ पर सही का चिन्ह लगाइए। नंबर थ्री, कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको शॉर्ट आंसर्स लिखना है। क, आकाश की क्या इच्छा थी? आकाश की इच्छा थी कि वो आसमान से गिरती हुई बर्फ देखे। ख, आकाश क्या लाने घाटी की ओर गया? आकाश पेड़ की छाल लाने घाटी की ओर गया। ग, आकाश के साथ कौन कौन गया? आकाश के साथ अमित और खच्चर वाला भी गया। नंबर फोर, कुछ वाक्यों में उत्तर लिखिए। ये मैं आप तक पहुंचा दूंगी, आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। समझिए व्याकरण संबोध। अब कुछ व्याकरण संबंधी प्रश्न हैं। नंबर वन, विलोम लिखिए। विलोम आप सभी को पता है विलोम क्या होता है? उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो हम यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, उनके उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखेंगे। सुरक्षित, असुरक्षित, ज्यादा, कम, समझदार, ना समझ, साहसी, कायर, मुश्किल, मुश्किल का उल्टा आसान, दिन, रात। अब पेज नंबर 18 पर देखिए, रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य को दोबारा लिखिए। यहाँ पर कुछ रंगीन शब्द दिए हैं, उनके वचन बदलना है और वाक्य को पुनः लिखना है। वचन अर्थात पिछली क्लास में भी आपने पढ़ा है वचन किसे कहते हैं। संख्या बताने वाले शब्द वचन कहलाते हैं और वचन दो प्रकार के होते हैं। जब एक संख्या बताई जाती है तो एक वचन, एक से अधिक संख्या होती है तो बहुवचन। वैद्य जी ने दवा बताई, एक वैद्य ज्यादा हो तो वैद्यों, दवा एक दवा ज्यादा हो तो दवाइयां। तो हम सेंटेंस को कैसे लिखेंगे? वैद्यों ने दवाइयां बताई। ख, वह पेड़ पहाड़ की घाटी में होता है। वह एक व्यक्ति के लिए वह, अगर ज्यादा हो तो वे, एक पहाड़ ज्यादा हो तो पहाड़ों, एक घाटी ज्यादा हो तो घाटियां। तो हम इस वाक्य को पुनः लिखेंगे। वे पेड़ पहाड़ों की घाटियों में होते हैं। ग, आगे रास्ता और भी खराब था। अब इसको बहुवचन में बदलेंगे, आगे रास्ते और भी खराब थे। ग, पहाड़ी नदी में पत्थर बहुत होते हैं। बहुवचन में बदलकर वाक्य को पुनः लिखेंगे, पहाड़ी नदियों में पत्थर बहुत होते हैं। नंबर थ्री, संज्ञा के तीन प्रकार। अभी तक आपने संज्ञा की परिभाषा तो पढ़ ही ली है। संज्ञा किसे कहते हैं? सारे नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। अब हम जानेंगे संज्ञा कितने प्रकार की होती है। मुख्य रूप से संज्ञा तीन प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान को बताने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गीतिका और मनाली। गीतिका एक विशेष नाम है और मनाली भी विशेष नाम है। अगर हम सिर्फ शहर बोलेंगे तो विशेष नहीं होगा, लेकिन मनाली शहर तो विशेष नाम हुआ, इसलिए ये क्या कहलाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का नाम जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे शेर, किताब, विद्यालय। शेर कोई सा भी हो सकता है, किताब कोई सी भी हो सकती है, विद्यालय कोई सा भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि अभिव्यक्ति पाठमाल, तो हमें पता है कि हम किसी एक विशेष पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन सिर्फ किताब बोला है तो जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह विद्यालय, महात्मा गांधी कॉन्वेंट विद्यालय, तो ये क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन विद्यालय कोई सा भी विद्यालय हो सकता है, तो हम विद्यालय को जातिवाचक संज्ञा में रखेंगे। भाववाचक संज्ञा। हमारे मन में बहुत प्रकार के भाव उठते हैं, तो उन मन के भावों को जो नाम दिया जाता है वे नाम भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं।
जैसे दुख खुशी। हमारे मन के भाव कई प्रकार के होते हैं, सच्चाई, ईमानदारी, दुख, खुशी, है ना। तो इन सारे नामों को हम कौन सी संज्ञा में रखेंगे? भाववाचक संज्ञा में। दिए गए शब्दों को उचित स्थान पर लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं, उनमें से आपको बताना है कि वो संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो हम यहाँ पर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, यहाँ ऊपर से शब्द देखते जाएंगे और जिस संज्ञा का शब्द है उसमें उसको लिखते जाएंगे। फल, फल जातिवाचक संज्ञा। नंबर 4, दिए गए मुहावरों को उनके अर्थ से मिलाइए। अब यहाँ पर 4 मुहावरे दिए हैं, आप वहां पर 1, 2, 3, 4 नंबर डाल लीजिए और उसको सही मुहावरे से मिलाइए या उसके सामने उसका नंबर लिखिए। स्वर्ग पाना अर्थात अत्यधिक प्रसन्न होना, लास्ट 1 लिखिए, नंबर 1। हक्का बक्का होना, आश्चर्यचकित होना। आंख लगना अर्थात नींद आ जाना, आपको आंख लगना से मिलाएंगे नींद आ जाना। दिल कांप उठना, डर जाना, शेर की आवाज सुनकर उनका दिल कांप उठा अर्थात वे डर गए, तो नंबर 4। अब यहाँ पर कुछ शब्दार्थ और मुहावरे लिखे हैं, इनको आपको क्या करना है? रफ कॉपी में लिखना है और याद करना है। इस पाठ से आपने क्या सीखा? इस पाठ से हमने ये सीखा कि व्यक्ति को कोई भी मुसीबत आने पर हिम्मत से काम लेना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए और अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, जिस तरह से आकाश ने किया था। तो आपको क्या करना है? आकाश की तरह चतुर, बुद्धिमान, होशियार और समझदार बनना है। समझ गए? शाबाश। तो अब हम अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे। वंदे मातरम।